मैं डॉक्टर सुनीता जैन, सीनियर लेक्चरर विटिकल्चर, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। आज मैं आपको ब्यूटी कल्चर के सब्जेक्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ स्किन एंड हेयर में यूनिट नंबर 2 कॉमन स्किन डिसऑर्डर पिगमेंटेशन डिफेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। पिगमेंटेशन डिफेक्ट्स क्या होते हैं? पिगमेंटेशन जो हमारी स्किन को कलर देता है उसमें अगर डिफेक्ट होता है तो क्या होता है कि स्किन का कलर चेंज हो जाता है। जैसे आप देखिए इस चित्र में कि स्किन में या तो डार्क स्पॉट हो जाएंगे या फिर लाइट स्पॉट हो जाते हैं, तो ये पिगमेंटेशन डिफेक्ट होते हैं जो कि स्किन को इवन नहीं दिखाते, इसमें कुछ स्पॉट्स होते हैं वाइट या डार्क। पिगमेंटेशन त्वचा पर पड़ने वाले काले धब्बों और कहीं कहीं से त्वचा का रंग डार्क होने को कहते हैं। इसे हाइपर पिगमेंटेशन भी कहा जाता है। किसी के चेहरे पर इसके निशान छोटे होते हैं तो किसी के काफी बड़े। वैसे ये हानिकारक नहीं होता है, लेकिन कुछ मामलों में ये मेडिकल समस्या के लक्षण भी हो सकते हैं। इससे त्वचा अस्वस्थ दिखाई देती है। पिगमेंटेशन कितने प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का होता है, हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपो पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन त्वचा की एक नॉर्मल समस्या है। इसमें त्वचा के एक हिस्से का रंग काफी गहरा हो जाता है बाकी हिस्से से, साथ ही साथ स्किन पर धब्बे भी पड़ जाते हैं। आमतौर पर यह एक सामान्य समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है त्वचा में मेलानिन का स्तर का बढ़ जाना, मतलब त्वचा में जो कलर प्रदान करने वाला तत्व होता है मेलानिन, उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिससे स्किन में डार्क कलर के धब्बे होते हैं। हाइपो पिगमेंटेशन में त्वचा पर पड़ने वाले धब्बों का रंग त्वचा के सामान्य रंग से हल्का हो जाता है। हाइपो में स्किन का कलर हल्का होता है और हाइपर में ज्यादा हो जाता है। वहीं हाइपर पिगमेंटेशन में धब्बों का रंग आसपास की त्वचा से गहरा हो जाता है। पिगमेंटेशन के कारण, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, पिगमेंटेशन लाइट या डार्क क्यों हो जाता है, इसके कई कारण हैं। जैसे अनुवांशिक कारण, अनुवांशिक यानी आपके किसी के पेरेंट्स में या पूर्वजों में किसी के अगर ऐसा लक्षण है तो वह लक्षण बच्चों में भी आता है। अधिक समय तक धूप में रहना से स्किन डार्क हो जाएगी, मेलानिन का उत्पादन ज्यादा होगा, गर्भ निरोधक गोलियां का सेवन अधिक करना आदि। वहीं स्किन ट्रीटमेंट और हेयर ड्रायर के अनियमित इस्तेमाल से भी यह परेशानी बढ़ जाती है। जब हम हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उससे भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि पिगमेंटेशन हो जाता है। हाइपर पिगमेंटेशन के सामान्य कारण इस प्रकार है, जिसे फर्स्ट है तेज धूप में निकलना, सन एक्सपोजर। धूप में जब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है तो धूप में निकलने से क्या होता है कि स्किन में मेलानिन का ज्यादा उत्पादन होता है, इससे स्किन में डार्क स्पॉट या पैच की समस्या हो सकती है। इन्हें मेडिकल भाषा में एज स्पॉट या सन स्पॉट भी कहा जाता है। जब स्किन बहुत देर तक धूप में रहती है और मेलानिन का ज्यादा उत्पादन होता है तो आपने देखा होगा सन टैनिंग हो जाती है, वही पिगमेंटेशन कहलाता है जब वो सीवियर हो जाता है। स्किन में जलन, स्किन में अक्सर समस्याएं जैसे सोराइसिस, एक्जिमा, एंजरी आदि के होने के बाद स्किन का रंग गहरा पड़ जाता है। गहरे रंग वाले लोगों में स्किन समस्याओं के बाद होने वाला हाइपर पिगमेंटेशन ज्यादा होता है, मतलब यानी आपको अगर सोराइसिस या एक्जिमा कभी हुआ है या कहीं पे कोई चोट लगी है या कोई जलन दाह जैसी स्थिति स्किन में हुई है तो भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा। मेलाज्मा क्या होता है? कई बार पुरुषों में टीनेज के दौरान हार्मोन चेंज होने की वजह से स्किन पर गहरे रंग के धब्बे या पैच बन जाते हैं। महिलाओं में यही समस्या प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है, यानी पुरुषों में
हार्मोन चेंज होते हैं तब, और इस महिलाओं में जब प्रेगनेंसी होती है तब भी हार्मोन चेंज होते हैं, तो उस समय ये इस टाइप की प्रॉब्लम होती है हाइपर पिगमेंटेशन की। दवाओं के रिएक्शन से भी ऐसा होता है। कुछ खास दवाएं जैसे एंटी मलेरिया ड्रग, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिस्प्रेंट्स के सेवन के कारण हाइपर पिगमेंटेशन या अछाइयों की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में स्किन के पैच कई बार भूरे हो जाते हैं। कई बार स्किन पर लगने वाली दवाओं में मिले मेडिकल का रिएक्शन होने पर भी अछाइयों की समस्या हो जाती है। यानी जब हम लंबे समय तक कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो वो भी हाइपर पिगमेंटेशन या अछाइयों की समस्या हमें दे सकती है। ऐसी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिससे हमारे जो हमारी स्किन को नुकसान पहुँचाती है और वो पिगमेंटेशन ज़्यादा इंक्रीज करने लग जाती है और फिर वो हाइपर पिगमेंटेशन का कारण बनती है। कुछ मेडिकल कंडीशन भी ऐसी होती है जैसे हाइपर पिगमेंटेशन के सबसे गंभीर कारणों में एडिशन बीमारी और हेमोक्रोमाटोसिस शामिल है। हेमाक्रोमाटोसिस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली समस्या है। इस समस्या का कारण शरीर में आयरन की अधिकता का हो जाना है। इसकी वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या हो सकती है। यानी जब हमारी हमारे शरीर में आयरन अधिक मात्रा में होता है तब भी ऐसा हो सकता है। हेमोक्रोमाटोसिस हो जाने पर स्किन का रंग गहरा और टैन हो जाता है। हाइपर पिगमेंटेशन के प्रकार और लक्षण क्या है? अब इसमें आप इस टेबल में देखिए कि जब पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है, मतलब जब स्किन का कलर ज़्यादा डार्क हो जाता है पैचेस के रूप में, धब्बों के रूप में, तो उसके प्रकार और लक्षण क्या है? बढ़ती उम्र के निशान, जब एजिंग स्किन हो जाती है या लीवर में स्पॉट होता है या फिर सोलर लेंटिसनेस होती है, तब भूरे और काले धब्बे हो जाते हैं स्किन में या भूसर कलर के धब्बे स्किन में हो जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? हाथ, चेहरे, पैर और शरीर के खुले हिस्से में होते हैं। ये बढ़ती उम्र के लोगों या धूप में ज्यादा रहने वाले लोगों को होता है। फिर है मेलाज्मा, ये भी स्किन स्पॉट है। ये गहरे रंग के बड़े बड़े धब्बे होते हैं माथे, चेहरे और पेट पे, ये पेट तक पे भी हो सकते हैं। ज्यादातर गहरे रंग वाले पुरुषों को ये होते हैं मेलाज्मा। फिर है बीमारी के बाद होने वाला हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने और एक्जिमा के बाद पड़ने वाले गहरे रंग के धब्बे, ये ड्राई होते हैं, ठीक है। फिर चेहरे और गर्दन पर ज्यादा होते हैं, इंजरी या स्किन प्रॉब्लम के बाद होते हैं। मतलब कोई स्किन की प्रॉब्लम पहले कभी रही हो या इंजरी हुई हो तो तब ये वाली सिचुएशन आती है। जैसा कि हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि बीमारी से उठने के बाद दवाइयों के रिएक्शन से ये चेहरे और गर्दन पर हो जाते हैं। प्रिकॉशन, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? पिगमेंटेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप धूप से बचकर रहें। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाएं। अच्छी क्वालिटी की 30 SPF वाली सनस्क्रीन लगाएं, जो खासकर भारतीयों के हिसाब से एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये सूर्य की UVA और UVB किरणों से लगातार 6 घंटों तक बचाकर रखती है। इससे त्वचा ड्राई नहीं होती बल्कि नरम रहती है। ये सनस्क्रीन केमिकल जैसे पैराबेन, मिनरल ऑयल, सिलिकॉन आदि से पूरी तरह से मुक्त है, यानी ये स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसके इस्तेमाल से आप न सिर्फ चेहरे पर आने वाले पिगमेंटेशन से बच सकते हैं बल्कि आपके चेहरे का निखार भी बना रहेगा। लेजर थेरेपी से भी उपचार कर सकते हैं। अगर आपको क्रीम से फायदा नहीं हो रहा है तो आप लेजर तकनीक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें कई सेशन लेने पर आपको पिगमेंटेशन से छुटकारा मिल सकता है। ब्लमिशेस क्रीम गुलमोहर, शहतूत, विटामिन सी का मिश्रण है।
इसका काम हमारी त्वचा में मेलानिन के उत्पादन को कम करना है। मेलानिन के अधिक उत्पादन की वजह से ही डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। ब्लेमिशेस क्रीम त्वचा में मेलानिन का उत्पादन कम करके पिगमेंटेशन जैसी समस्याओं को दूर करती है, साथ ही त्वचा के प्राकृतिक रंग और निखार को भी बनाए रखती है। यह ज्यादा ऑयली नहीं होती है, इसकी आसानी से स्किन के अंदर तक घुसकर काम करती है। हर तरह की त्वचा पर जैसे ऑयली, शुष्क, सामान्य, संवेदनशील पर इस उत्पाद का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब जो ब्लेमिशेस क्रीम है वो हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है। घरेलू उपचार में हाइपर पिगमेंटेशन असल में गंभीर नुकसान न पहुंचा वाली स्किन की समस्या है। इस समस्या का मरीज कॉस्मेटिक उपचार, क्रीम और घरेलू उपायों की मदद से छुटकारा पा सकता है। अगर कोई शख्स हाइपर पिगमेंटेशन के अलावा भी लक्षण महसूस करता है तो उसे तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और घरेलू उपचार में बहुत सारे घरेलू उपचार हैं, जैसे एलोवेरा जेल लगाना चाहिए या कूलिंग एजेंट लगाना चाहिए या ग्रीन टी पीना चाहिए या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि त्वचा को आराम देती हैं, तो उससे पिगमेंटेशन में फायदा होगा। थैंक यू।